जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे वर्गों की संख्या ट्रिक के माध्यम से तेजी से कैसे काउंट करते हैं पहला प्रश्न लिखा हुआ है दी गई आकृति में वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी है अब देखिए वर्गों की संख्या में बताना है तो अगर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर काउंट करेंगे तो ऐसे काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ यानी नौ वर्ग तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं और इस तरीके से इनको अगर हम मिला दें तो इनसे भी एक हमारा वर्ग बनता है नौ पहले हो चुके थे यानी दस हो गए और इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी एक वर्ग हमारा ये भी ये भी बना रहा है यानी कितने हो गए ग्यारह हो गए और इस तरीके देखिए दोस्तों इनको अगर हम मिला देते हैं ये आकृति तो इससे भी हमारा एक वर्ग बन रहा है यानी कितने हो गए बारह हो गए और यहाँ पर देखिए इसको अगर हम मिला देते हैं इसके साथ ये वाला तो इससे भी हमारा एक वर्ग बन रहा है यानी तेरह हो गए एक वर्ग हमारा जो ये बड़ी वाली जो बाउंड्री है ये जो दिख रहा है आपको साइड पे लास्ट में ये भी हमारा एक वर्ग है तो इस तरीके से टोटल हम बता देंगे वर्ग हमारे कितने चौदह हैं ये बिल्कुल देसी तरीका है बिल्कुल बेसिक तरीका है जिसे कुछ भी नहीं पता है ट्रिक नहीं जानता है तो वो इस तरीके से काउंट करेंगे तो उनका निकल के आ जाएगा चौदह बट आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि चलिए आप उसको काउंट करने के लिए बैठ गए हैं बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन करने होते हैं ये तो छोटी आकृति है चलो आप इसको बेसिक तरीके से काउंट कर भी लेंगे मान लीजिए इससे बड़ी अगर आकृति दिया हुआ है तब क्या काउंट करने के लिए बैठेंगे नहीं करेंगे ना अब सीधे हम आते हैं ट्रिक पे ट्रिक क्या बताता है हमें ट्रिक ये बताता है कि जो भी हमारे बाग बने हुए हैं इनमें नंबरिंग कर लेते हैं एक दो तीन और यहाँ पर इधर से नीचे कर कर लेंगे तो यहाँ पर दो और तीन थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे ये एक तरीके से मैट्रिक्स बना रहा है ये हमारे जो इधर के नंबर्स होते हैं इस तरह इधर से देखेंगे ये हमारे रो होते हैं और जब इधर से देखते हैं ये हमारे कॉलम होते हैं यानी ये रो होते हैं आर वन आर टू आर थ्री मान लेते हैं और ये का, कालम मान लेते हैं सी वन सी टू और सी थ्री ये हमारे कॉलम है ये आप लोग जानते ही होंगे पढ़े भी होंगे अच्छे से तो रो कॉलम दिया हुआ है यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये मैट्रिक्स है ये थ्री इंटू थ्री की है थ्री इंटू थ्री क्या होता है यानी थ्री हमारी रो है थ्री हमारे क्या है कॉलम है तो जब भी इस टाइप का सवाल दिया हो तो आपको करना क्या है एक दो तीन एक दो तीन यहां तक जा रहे हैं मतलब इंड हमारा थ्री नंबर पे हो रहा है रो पे और कॉलम में भी हमारा थ्री इंड पे हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है इसलिए जो इंड रो में होगा नंबर वही हमारा कॉलम में भी इंड होगा जब भी इस टाइप का केस बनाए तो आपको करना क्या है जो भी हमने नंबर लिखा है ना इन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ देंगे अब देखिए यहाँ पर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आएगा तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ आएगा जोड़ेंगे नौ चार तेरह एक चौदह इस प्रश्न में देखिए जोड़ने पे कितना आया चौदह यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा चौथा हो जाएगा तो ट्रिक है अब सवाल ये उठता है कि जरूरी नहीं है कि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तब क्या करेंगे चलो ये तो हमने बता दिया कि कॉलम बराबर है रो बराबर है तो आप सीधे नंबरिंग करेंगे नंबरिंग देखिए जहां तक जाएगा रो में उतना ही हमारा कॉलम में जाएगा और उन्हीं नंबरों का स्क्वायर करके सीधे सीधे जोड़ देंगे जो भी हमारा फाइनल आएगा वैल्यू वही हमारा आंसर होगा बट आपको देखिए अगर मान लीजिए इसी को हम थोड़ा सा देखिए अभी इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं मान लो इसको हमने इस तरीके से ऐसे बढ़ा दिया इस तरीके से बढ़ा दिया इसी में आपको समझा देते हैं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अब आप देखेंगे ये हमारी जो रो है रो तो हमारी तीन ही है बट हमारे जो कॉलम है ना कॉलम की संख्या हमारी एक बढ़ गई यानी कॉलम कितने हो गए चार हो गए और अगर इसमें अगर पूछ लिया जाता है वर्गों की संख्या बताइए तो आप इसको क्या लिखेंगे थ्री इंटू फोर थ्री इंटू फोर हमने क्यों लिखा क्योंकि थ्री हमारी पंक्तियां हैं रो हैं और फोर हमारे कॉलम है यानी स्तंभ है कॉलम को हिंदी में कहते हैं स्तंभ रो को हिंदी में कहते हैं पंक्तियां तो ये थ्री इंटू फोर का हमारा आ गया मैट्रिक्स अब इसमें नंबरिंग अगर करते हैं एक दो तीन चार इधर से करते हैं एक दो तीन अब आप देखिए अभी हमने क्या बताया स्क्वायर करते हैं स्क्वायर तब करते हैं जब हमारा इंड पॉइंट क्या होता सेम होता है और सेम तभी होगा जब रो और कॉलम हमारे क्या होंगे बराबर होंगे बट इसमें ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे अब देखिए करना आपको क्या है ये जो हमने लिखा है ना मैट्रिक्स थ्री इंटू फोर का है इसमें से इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे ही इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बारह आएगा अब आपको क्या करना है इनमें से एक एक कम करेंगे एक नंबर रो में कम करेंगे एक कालम में कम करेंगे तो इसमें एक कम करेंगे तो दो आएगा इसमें एक कम करेंगे तो कितना आएगा तीन आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों छ आएगा फिर इसमें से एक कम करेंगे यानी एक आएगा इसमें से एक कम करेंगे तो दो आएगा दो गुड़ एक करेंगे तो दो आएगा फिर इसमें से अगर एक कम करेंगे जैसे ही एक में कम करोगे एक तो जीरो हो जाएगा और जीरो के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान हमेशा क्या होता है जीरो होता है कहने का कुल मतलब यह है कि जहां लास्ट में जीरो आ जाए वहीं से हमारा स्टॉप हो जाएगा क्योंकि जीरो के बाद तो फिर जीरो जीरो, जीरो आएगा कोई मतलब नहीं है अब ये जितना आया है ना इनको सबको ऐड कर लेंगे बारह छह अठारह दो कितना होता बीस अगर ये इस तरीके के अगर फ्रेंड्स अगर आकृति बनी होती अगर पूछ लिया होता वर्गों की संख्या बताइए तो हम सीधे बता देते हमारे कितने बीस हैं ठीक है ना तो वर्गों की संख्या हम कितने बताते हैं बीस बताते हैं अब क्वेश्चन इसके आगे मिलेंगे और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो आप इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा अब आप सोच रहे होंगे सर जब बराबर होगा उसके लिए रूल अलग बता रहे हैं जब बराबर नहीं है तो उसके लिए आप ये बता रहे हैं कि इनका मैट्रिक्स के जो है मल्टीप्लाई लिखिए फिर कम करिए तो दोस्तों ये वाला जो रूल हम बता रहे हैं ना कम करने वाला ये आप बराबर वाले में भी लगा सकते हैं बराबर वाले में अगर लगाएंगे तो भी देख लीजिए हमारा आंसर सेम आएगा अब देखिए बराबर वाले में देखिए थ्री इंटू थ्री था ना इसमें से इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों नौ आएगा इसमें से अगर एक कम करेंगे तो दो और दो इसमें भी एक कम होगा चार आएगा फिर एक कम करेंगे तो एक इंटू एक आएगा एक अब जैसे एक कम करोगे जीरो हो जाएगा जीरो के बाद हमें नहीं करना है इनको दोस्तों जोड़ लेंगे नौ चार तेरह एक कितना है चौदह तो कहने का मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि सर आप तो दो दो रूल बता रहे हैं हम कन्फ्यूज हो गए एग्जाम टाइम में देखिए दोस्तों कन्फ्यूजन बहुत होता है परीक्षा में अगर आप कई तरीके से पढ़ लेंगे इसका अलग रूल उसका अलग तो एग्जाम में इतना कन्फ्यूजन होगा ना कि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा करें कैसा करें तो आप एक ही तरीका याद रखिए लेकिन वो तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपसे बिल्कुल हमेशा याद रहे कि भूलें ना ठीक है ना तो वो देखिए तरीका आप तो चाहे तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं जितने का मैट्रिक्स दिया होगा उसमें से एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते चले जाइए जितना आए ओवरऑल सबको जोड़ लीजिए हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा ये रूल चाहे मैट्रिक्स बराबर हो या ना बराबर हो दोनों में लगेगा बट अगर मैट्रिक्स अगर हमारे बराबर आते हैं तो सीधे आप स्क्वायर करके भी जोड़ देंगे तो सीधे हमारा आंसर निकल आएगा अब आप समझ गए होंगे कोई इसमें डाउट नहीं होगा चलिए ये हमारे भी बिल्कुल सिंपल सवाल है ना जब इस तरीके से बने हों तभी हमारा ट्रिक काम करेगा इसके अलावा और भी आकृति बनती है उनको हमें फिर अपने तरीके से काउंट करना होगा तभी हम बता पाएंगे हमारे कितने वर्ग हैं इस प्रश्न में देखिए लिखा हुआ दी गई आकृति में ए बी सी डी में कितने वर्ग हैं अब देखिए वर्गों की संख्या हमें बतानी है कि कितने हमारे वर्ग हैं आप देख लीजिए वर्गों की संख्या हमें बताना है अब देखिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे ट्रिक हमें क्या बताया ये पहले काउंट कर लेते हैं यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं एक दो तीन चार इधर से काउंट करेंगे दो तीन चार अब आपने क्या देखा इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर करके जोड़ देंगे एक का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों एक होता है दो का स्क्वायर कितना होता है चार होता है तीन का स्क्वायर कितना होता है नौ होता है चार के स्क्वायर कितना होता है सोलह जोड़ लेंगे सोलह नौ पच्चीस चार उन्तीस एक तीस यानी इस प्रश्न का सही आंसर कितना आएगा तीस यानी ऑप्शन नंबर चौथा हो गया अगर आप इसको ये सोच रहे होंगे चार इंटू चार की है अगर आप इसको ऐसे लगाना चाहते हैं सेकंड जो तरीका बताया था जब रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती उससे भी देखिए आंसर आ जाएगा चार इंटू चार अगर लिया सोलह या इसमें से अगर एक कम करेंगे तो कितना आएगा तीन इंटू तीन आएगा देखिए जब कम करेंगे ना तो दोनों नंबर हमारे सेम हो जाते हैं वही हम स्क्वायर करके बता देते हैं दोस्तों है वही चीज बस सेम होने की वजह से स्क्वायर बता दिया जाता है कुछ नया नहीं है सब वही है थ्री इंटू थ्री करेंगे तो नौ आएगा फिर एक कम करेंगे दोनों में से एक एक कम करते हैं तो चार आएगा फिर एक एक कम करेंगे तो एक आएगा या नहीं जोड़ेंगे तो तब भी हमारा कितना आएगा दोस्तों तीसी आएगा, एक, तीस ही आएगा सोलह नौ पच्चीस चार उनतीस इकतीस तो कहने का मतलब आप सीधे याद रखिए कि जब भी रो कॉलम दिया हो उनमें से एक एक कम करके आपको लिखते चले जाना है मल्टीप्लाई करके और जितना है सबको जोड़ देंगे हमारे निकल आएंगे चाहे वो बराबर हो चाहे ना हो दोनों में काम करता है चलिए समझ गए होंगे आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखिए इसमें लिखा गया है पूछा गया है रेखा क्षेत्र तो कुल कितने वर्ग हैं अब देखिए इसमें वर्ग हमें बताना है तो एक आपको यही दिख रहा है सीधे सीधे ये वर्ग हो गया एक पहले आप देख लीजिए सीधे सीधे हमारे वर्ग कितने बन रहे हैं अब देखिए इसमें रो और कॉलम तो बना नहीं रहा है कि इस तरीके से पूरी आकृति भरी हुई है मैट्रिक्स टाइम में तो हम काउंट कर लें वो सिर्फ जो ट्रिक बताया है ना मैट्रिक्स में ही लगेगा जब पूरी रो और कॉलम पूरे पूर्ण तरीके से होंगे अब इसमें देखिए यहाँ सब खाली वाली नहीं है ना तो इसको ऐसे नहीं लगाएंगे इसको हमें बिल्कुल देसी तरीके से मतलब काउंट करना पड़ेगा कितने हैं यहाँ पर देखिए काउंट करते हैं अगर एक दो एक ये हो गया दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं दस आपको आकृति सीधे सीधे दिख रहे हैं और देखिए दोस्तों एक आकृति हमारी दस के बाद एक ये बना रहा है ग्यारह हो गए एक हमारा इस तरीके से बना रहा है यानी ये बारह हो गए ठीक है ना और एक हमारा ये भी बना रहा है बारह और एक तेरह हो गए कितने हो गए तेरह और देखिए कहीं बना रहा है हाँ एक दोस्तों ये भी बना रहा है हमारा ये ये भी हमारा क्या वर्ग है एक ये भी बना रहा है तो इस तरीके से इस प्रश्न में हमारे टोटल कितने वर्ग हो गए हो जाएंगे यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा होगा कितना होगा आपसा नंबर कौन सा हो जाएगा चौथा हो जाएगा यानी चौदह वर्ग हो जाएंगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं ये वाला प्रश्न देखिए लिखा गया है इसमें पूछा गया है दिए गए आरेख में कितने समचतुर्भुज हैं अब देखिए समचतुर्भुज की संख्या में बतानी है एक तो आपको समचतुर्भुज ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है दो एक ये दिख रहा है तीन एक ये दिख रहा है चार और एक हमारे बड़ा वाला भी होगा यानी टोटल हमारे समचतुर्भुज कितने होंगे ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा यानी पांच आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं तो देखिए वर्ग काउंट करना है तो आप सीधे सीधे काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह वर्ग तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं इसके बाद दोस्तों एक वर्ग हमारा ये बना रहा है ये ध्यान से देखिए तो कितने हो गए चौदह हो गए एक वर्ग हमारा ये भी बना रहा है ये वाला ऐसे बनाएगा यानी चौदह एक पंद्रह हो गए एक हमारा इधर से भी बनाएगा पंद्रह एक सोलह हो जाएंगे और एक हमारा यहाँ से भी बनाएगा यानी सोलह एक सत्रह तो टोटल हम अगर बात करेंगे तो वर्गों की संख्या कितनी आ गई सत्रह आ गई पहला ऑप्शन हो जाएगा आगे देखते हैं ये सब परीक्षाओं में दोस्तों पूछे गए हैं वर्गों की संख्या आप अच्छे समझ लीजिए कैसे निकालना है आप तेजी से निकाल सकते हैं अब यहां पर देखिए पूछा गया कितने वर्ग हैं तो देखिए वर्ग तो आपको एक ये दिख रहा है हमारा एक ये वर्ग दिख रहा है एक और एक हमारा ये दिख रहा है दो एक ये दिख रहा है तीन एक ये दिख रहा है चार चार तो हमारे दिख ही रहे हैं इसके बाद आपको एक दिख रहा है बाहर वाला भी है हमारा यानी पांच हो गए पांच हमारे वर्ग दिख रहे हैं जब भी इस टाइप की अगर आकृति बनी होती है दोस्तों हमेशा याद रखिए तो पांच वर्ग होते हैं एक दो तीन चार एक ये बड़ा वाला हमारा है वही आकृति यहां भी देखो तो बन रही थी एक ये एक ये दो तीन चार एक ये बड़ा वाला ध्यान से देखिए जो अंदर जो इसकी आकृति बनी हुई है बिल्कुल इसी टाइप का ये भी तो बना हुआ है देखिए एक दो तीन चार एक बड़ा वाला यानी अंदर भी पांच होंगे बाहर भी पांच होंगे तो टोटल हमारे कितने हो गए दस तो दस देखिए नंबर कौन सा बता देंगे हम चौथा बता देंगे ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा देखते हैं लिखा हुआ है निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं अब देखिए वर्गों की संख्या बतानी है तो आप देखिए सीधे सीधे देखेंगे एक वर्ग हमारा ये बना रहा है एक है ना और एक वर्ग हमारा ये बना रहा है दो हो गए दो के बाद देखेंगे ना एक यहाँ पर भी बना रहा है हमारे तीन हो गए और एक हमारा ये बना रहा है यानी चार हो गए और ये जो पूरी आकृति जो बड़ी सी बन रही है ये भी हमारे एक तरीके से वर्गी होगा यानी टोटल हमारे कितने वर्ग हो गए पांच हो गए अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये वर्ग नहीं हो सकता है है ना और ये वर्ग नहीं हो सकता है अगर ऐसे सोचेंगे तो पांच और दो जोड़ेंगे तो सात आएगा सात तो ऑप्शनों ने दिया है तो दोस्तों एक तरीके से ये रोम्बस टाइप का है रोम्बस वर्ग नहीं होता है वर्ग और रोम्बस में सिर्फ अंतर यही होता है वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं रोम्बस यानी सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं बट वर्ग के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं और रोम्बस के चारों एंगल नाइन्टी डिग्री के नहीं होते हैं बस इतना सा अंतर होता है तो इस तरीके से इन दोनों काउंट नहीं करेंगे बस यहीं तक काउंट करके हम सीधे बता देंगे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा दूसरा होगा पांच आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देखते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इस चित्र में कितने वर्ग हैं यानी हमें वर्गों की संख्या बतानी है तो आप देखिए इसको सीधे देखिए यहां से देखिए एक वर्ग तो हमारा ये बना रहा है इसके अंदर एक और वर्ग है यानी दो हो गए इसके अंदर एक और वर्ग है यानी तीन कुल मिला के इस डायग्राम में हमारे कितने वर्ग आ रहे हैं तीन आ रहे हैं तीन इसमें आ रहे हैं हु बहु सेम बगल वाला भी है यानी तीन इसमें भी होंगे तीन इसमें भी होंगे दूसरे वाले में और तीन वर्ग हमारे ये भी हैं एक अंदर है पहले बाहर फिर अंदर फिर एक अंदर यानी तीन इसमें भी होंगे और फिर तीन बगल वाले में भी होंगे इसमें भी होंगे तो कुल मिला के ओवरऑल तीन, तीन तीन तो हमारे हो गए नहीं टोटल बारह हो गए और एक हमारा ये बड़ा सा बना लेगा वर्ग है ना तो एक इसी में से और जोड़ देंगे दोस्तों तो टोटल हमारे कितने हो गए तेरह हो गए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा तेरह आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए लिखा गया है पूछा गया दिए गए प्रतिरूप में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए अब देखिए वर्गों की संख्या में ज्ञात करना है तो देखिए इसमें पहले काउंट कर लेते हैं नंबरिंग कर लेते हैं एक दो तीन चार यहां से करेंगे दो तीन चार यानी ये रो और कॉलम बराबर है तो इनका स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं एक का स्क्वायर क्या होता है एक होगा दो का स्क्वायर चार होता है तीन के स्क्वायर नौ होता है चार के स्क्वायर सोलह होता है सीधे सीधे जो रो और कॉलम से हमारे बनेंगे कितने बनेंगे कि ट्रिक के माध्यम से हमने ज्ञात कर लिया सोलह नौ पच्चीस चार उन्तीस एक तीस तो दोस्तों हमारे जो सीधे सीधे बन रहे हैं ट्रिक के माध्यम से वो तो दिख ही रहे हैं अब इसके बाद जो ये बीच बीच में लाइनें खींचे ना ये जो डिजाइनिंग बनाए इनसे भी कोई ना कोई वर्ग बनेगा तो अब ये देखते हैं कहाँ कहाँ वर्ग बन रहा है एक तो देखिए दोस्तों ये बन रहा है बड़ा सा बन रहा है ना ये वर्ग एक ये बन रहा है ये देखिए बन रहा है एक ये बन रहा है तीस हमारे हो चुके तो एक ये हो गया इसके साथ में एक हमारे छोटे छोटे भी बन रहे हैं देखो ये चार ये चार अंदर हैं एक बड़ा यानी पांच तीस और पांच कितने हो गए पैंतीस इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हमारा कितना होगा पैंतीस होगा इस तरीके से दोस्तों तेजी से हम बता देंगे पहले तो आपको दिख ही रहे थे अगर ये लाइनें बीच में नहीं खींची होती तो तो हमारे तीस ही होते है ना तो ये जो बीच में जो वर्ग बना है तो इसके तो छोटे छोटे चार हैं ही एक बड़ा से यानी पांच टोटल कितने हो गए पैंतीस हो गए यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा इसका तीसरा सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए इसमें पूछा गया दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए तो 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 पर तीन तीन यहां पर देखिए और भी है तो तीन तीन, तो कितना आएगा एक के स्क्वायर करेंगे एक आएगा दो के स्क्वायर करेंगे चार आएगा तीन के स्क्वायर करेंगे नौ आएगा यानी चौदह तो हमारे वर्ग इसमें बनी रहे इस वाले जो आकृति में जो ये बनी हुई है हमारी चौदह वर्ग तो हमारे निकाल लेंगे ट्रिक के माध्यम से इंटू थ्री का है तो वन का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर करेंगे और थ्री करेंगे कितने हो गए चौदह तो पहले हो गए थे है ना नौ चार तेरह एक चौदह और पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और भी कहीं बन रहे हैं नहीं तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा चौथा हो जाएगा अठारह आगे बढ़ ये अगला प्रश्न देखते हैं लिखा हुआ है दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या बताइए अब देखिए काउंट अगर करते हैं देखिए ये हमारी क्या है पंक्तियां हैं रो हैं एक दो तीन चार और ये कितने कॉलम एक दो तीन यानी ये हमारा मैट्रिक्स कितने का है चार बाई थ्री का यानी चार इंटू तीन का है तो अब देखिए अगर ये बीच में जो डिजाइनिंग न बनी होती और सीधे सीधे पूछा होता तो कितने होते पहले वो निकाल लीजिए वो तो हमारे सीधे सीधे बनी रहे हैं तो चार गुड़े तीन करेंगे तो बारह आएगा इसमें से एक कम करेंगे तीन आएगा इसमें से एक कम करेंगे दो आएगा तीन गुड़े दो करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों छः आएगा फिर इसमें से एक कम करेंगे दो आएगा इसमें से एक कम करेंगे यानी एक आएगा दो एक कम दो अब अगर कम करेंगे तो जीरो हो जाएगा वो हमें नहीं लेना है बारह छः अठारह दो बीस होते हैं यानी अगर ये जो डिजाइनिंग नहीं बनी होती इस तरीके से अगर पूरा मैट्रिक्स बना होता तो टोटल हमारे कितने हो जाते वर्ग बीस होते अब डिजाइनिंग से देखते हैं कौन कौन सा वर्ग बना रहा है ध्यान से देखिए एक वर्ग हमारा डिजाइनिंग से ये बन रहा है बड़ा वाला ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है दोस्तों देखिए ध्यान से ये तो 20 तो हमारे ऑलरेडी है पहले से ही और एक ये हो गया 21 और दो वर्ग ये देखो बन रहा है दोस्तों ध्यान से देखिए एक ये बना रहा है तो कितने हो गए 20 21 यानी 22 और एक हमारा ये भी बना रहा है ये भी बना रहा है ये बना रहा है तो 22 और एक 23 यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों दूसरा हो जाएगा तेईस टोटल हमारे वर्ग कितने हो गए तेईस हो गए अब देखिए इस सवाल में देखिए यहाँ पर क्या है ना ये हमारे रो और कॉलम क्या है डिफरेंट होंगे ना तो उस पर पूछा गया अब देखिए यहाँ पर एक दो तीन हमारे रो हैं और कॉलम कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः छः हैं तो यानी ये हमारी मैट्रिक्स कितने की है थ्री इंटू की है इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आएगा अठारह आएगा अब इसके बाद इसमें एक कम करेंगे यानी एक कम करेंगे दो इसमें एक कम करेंगे पांच यानी कितना आएगा दस आएगा फिर इसमें से एक कम करेंगे तो एक ही आएगा दो में से एक कम करेंगे पांच में से एक कम करेंगे चार आएगा मल्टीप्लाई करेंगे चार सबको जोड़ लीजिए क्योंकि अब जैसे ही कम करेंगे ना एक में एक सौ जीरो हो जाएगा तो हमें नहीं लेना है आठ चार कितना होता है बारह और ये बत्तीस तो इस प्रश्न में देखिए बत्तीस कहीं दिया हुआ है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा पहला ही हो जाएगा आगे देखते हैं ये पूछा गया है आकृति में वर्गों की संख्या बताइए पहले नंबरिंग कर लेते हैं ये कितने एक दो तीन चार इधर से देखते हैं एक दो तीन चार पाँच यानी ये मैट्रिक्स हमारी कितने की है चार बाई फाइव की यानी चार इंटू पाँच लिखेंगे फोर इंटू फाइव इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बीस आएगा ठीक है ना बीस आएगा और इसमें से एक कम करेंगे तो कितना आएगा एक कम करेंगे तीन आएगा इसमें एक कम करेंगे चार आएगा यानी बारह आएगा फिर एक कम करेंगे दो आएगा इसमें एक कम करेंगे तीन आएगा और ये कितना आएगा छह आएगा फिर एक कम करेंगे एक आएगा इसमें एक कम करेंगे दो आएगा मल्टीप्लाई करेंगे दो आएगा सबको दोस्तों जोड़ लेंगे बीस बारह बत्तीस छ अड़तीस दो चालीस कितना आया चालीस तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा पहला हो जाएगा चालीस तो इस तरीके से दोस्तों आप लगा सकते हैं जब भी वर्गों की संख्या निकालना हो बराबर हो या ना बराबर हो तो मतलब काफी सारे टाइप के आपको हमने बता दिया है और अगर दोस्तों अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं और जो लोग चैनल में पहली बार आए हुए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका